फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं लखनऊ से फैज़ाबाद जा रही हूँ अपनी बुआ के घर पे बस से। तो मैं, दादी और विकास जा रहे हैं, ये देखिए थोड़ा काम से जा रहे हैं, लेकिन बस ना अभी चली नहीं है। और लखनऊ का जो रेलवे चारबाग बस स्टॉप है ना, वहीं पे ही रुकी हुई है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं बस कब चलेगी। फाइनली 2 घंटे के बाद में बस चली है। इतनी देर से हम लोग वेट कर रहे थे बस कब चलेगी, कब चलेगी। 2 घंटे से आलमबाग का जो बस स्टॉप है ना, वहाँ से हम लोग को चारबाग बस स्टॉप पे आए, तो अब चली है बस। ये देखिए, ये है लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन। अभी तो बहुत चेंज हो चुका है, काफ़ी बन चुका है। और ये है शकुंतलम पैलेस, यहाँ पे शादी और इवेंट्स वगैरह के लिए बुकिंग भी होती है। ये है बापू भवन, एक गवर्नमेंट ऑफिस है। अगर आप लखनऊ आ रहे हैं ना, तो आप ये सब ज़रूर विज़िट करें। और ये है लखनऊ का विधान भवन, काफ़ी बड़ा बना हुआ है, रोड पे हज़रतगंज साइड में बना हुआ है। अगर आप लखनऊ आए ना, तो एक बार यहाँ पे ज़रूर आए इसको देखने के लिए, बहुत सुंदर बना हुआ है। ये इसका फ्रंट व्यू है। अगर आप रोड से जाएंगे ना, तो ये रोड पर ही आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सुंदर सा महल टाइप का है, लेकिन अगर आप देखोगे तो पहचान जाओगे, विधान भवन है, बहुत सुंदर बना हुआ है ये। लखनऊ में कितनी सारी बिल्डिंग्स बन गई है, देख के लग ही नहीं रहा था कि मैं लखनऊ में हूँ। जैसे मुंबई जैसा फील आ रहा था पूरा, मतलब इसको डेवलप करके पूरा बिल्डिंग एरिया कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, सब बिल्डिंग बिल्डिंग जैसा लग रहा था। लेकिन अच्छा है, थोड़ा चेंज हो गया ना, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए, आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई है यहाँ पर अभी। और ये है अवध बस स्टेशन, ये यहाँ पे जो बसेस है वो रुकती है, यहाँ पे स्टेशन है बस का। ये लखनऊ का बीबीडी कॉलेज है, ये काफ़ी फेमस है, यहाँ पे बहुत बड़ा कॉलेज है ये बीबीडी, बाबू बनारसी दास, वो कॉलेज, वो स्कूल था, ये कॉलेज है। ये देखिए बाबू बनारसी दास, काफ़ी बड़ा कॉलेज है और काफ़ी फेमस है लखनऊ में। फिर हमने पी ढाबे की चाय, जो मैंने बहुत दिनों के बाद पिया था। ये हाइजीन तो नहीं होती, लेकिन अच्छी लगती है। उनके घर पहुंच के मैं इतना थक गई थी कि मैंने उनके घर का कोई शूट नहीं किया। लेकिन हम लोग रात में रामलीला देखने गए थे, जो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी थी। सिर्फ सुना था रामलीला काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था। लेकिन आप वहाँ उस एरिया में अगर आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे ना हर साल रामलीला होती है, और लोग उसको बहुत अच्छे से देखने आते हैं, उसका पूरा ही उसको मतलब इंजॉय करते हैं। ऐसा आपको लगेगा नहीं कि ये जो हमारा एक कल्चर है वो कहीं खो गया है। उन लोग बहुत पसंद करते हैं वहाँ पे रामलीला देखना। उस दिन मैं रामलीला देखने गई थी, उस दिन जो हमारे रामायण में धनुष तोड़कर जो राम जी ने सीता से विवाह किया था, वही वाला संवाद चल रहा था। तो वहाँ पे वही चल रहा था कि कौन ये धनुष तोड़ के सीता जी से विवाह करेगा, जो उनका स्वयंवर था, वही चल रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था। जो कैरेक्टर्स थे वो इतनी अच्छे से मतलब उसको प्रेजेंट कर रहे थे, बहुत मतलब पुराने पुराने कैरेक्टर, उन्होंने बहुत सालों से, वो आर्टिस्ट मतलब थिएटर आर्टिस्ट हैं, और ये जो रामलीला है वो बहुत सालों से कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे ना आपको देख के ऐसा लगेगा नहीं कि मतलब ये बहुत कम हो गया रामलीला। वहाँ पे रोज़ लोग शाम को खाना वगैरह बना के, सब जो घर के लेडीज़ हैं, जो जेंट्स हैं, वो घर का सारा काम करके मतलब रेडी हो जाते हैं कि 9:30 बजे शुरू हो जाएगी और हमें देखने जाना ही है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर मैं भी खाना वाना खा के निकल गई थी देखने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा था देख के। लास्ट में
काफ़ी लेट हो गया था, मतलब 12-1 बजे तक चला था तो मैं घर आ गई थी, लेकिन बाद में जो मतलब धनुष जो था वो रात में काफ़ी तोड़ा गया था तो मैं रुकी नहीं थी, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत रुकी थी एक घंटे, तो उसी की ही रिकॉर्डिंग है ये। खाने के भी रात में बहुत सारे स्टॉल थे और सिक्योरिटी वगैरह बहुत अच्छी थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब बहुत अच्छा सब इंतज़ाम कर रखा था। और ये देखिए यहाँ पे जो है वो अलग अलग देश के जो अलग अलग मतलब वो जो राजा थे वो आए थे और वो सब बोल रहे थे कि मैं धनुष उठा सकता हूँ, मैं तोड़ सकता हूँ, यही संवाद जो है वहाँ पर चल रहा था। लेकिन उठाते तो धनुष जो है वो तो लास्ट में राम जी ही तोड़ते हैं। और ये देखिए कितने लोग मज़े से देख रहे हैं, बहुत सारी पुलिस लगी हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। इनफैक्ट मैं हम लोग खुद मतलब देखने जाना था तो इतनी जल्दी जल्दी सारा काम करके रेडी होके बस चल दिए देखने के लिए। और अगर आप कभी लखनऊ या अयोध्या के साइड में जा रहे हो और अगर आप इस सीज़न में आ रहे हैं जब आपका नवरात्र या दशहरा आने वाला है तो एक बार आप वहाँ की रामलीला ज़रूर देखें, वो लोग बहुत ही अच्छा करते हैं। हमने सिटीज़ में भी देखा है, हमने थिएटर में भी जाके देखा है, लेकिन जो वहाँ पे ग्राउंड में लोग सजा के जो करते हैं, लोग वहाँ दूर से आते हैं उसे प्रेजेंट करने के लिए, उन लोगों की कलाकारी तो भी देखने वाले हैं, देखने को मतलब बनता है। और जब मैंने पूछा ना वहाँ पे किसी से कि कितने साल से थिएटर वगैरह कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि हम बचपन से ही रामलीला करते आ रहे हैं। तो उनको सोच सकते हैं आप उनको कितना एक्सपीरियंस होगा। और अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज़ एक बार इस सीज़न में आ रहे हैं तो एक बार वहाँ की रामलीला देखने ज़रूर जाएं।